जय श्री राम। ये मैं आज आई हूँ आपके लाल टप्पड़ वन विभाग की भूमि पे, जो ये अवैध अतिक्रमण हो रखा है यहाँ पे। मैं एक बार लाइव चली थी तो मुझसे डिलीट करवा दी गई। अब हम आए हैं यहाँ पे तो भाइयों, कुछ विरोधियों का सामना भी करना पड़ रहा है, और विरोधी कोई बाहर के नहीं, अपने ही हैं। एक दीदी आई है जिन्होंने ये लाइट लगाई है। भूपेश भाई क्या बोल रही हैं, कौन सा पद है इनका? ये मीडिया प्रभारी है, जिला मीडिया, युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी। अच्छा, ये हैं वो जिनका बीच अभी में पद है, और इन्होंने यहाँ पर लाइट लगवाई है। और ये लड़का देखो, ये हरे पर्दे निकाल के नीले पर्दे लगा रहा है। देखिए ये, देखिए ये साजिश है इनकी, इसने ये हरे पर्दे निकाल दिए हैं, और अब ये गोगा पीर की मजार को दिखा रहा है कि ये नीले पर्दे की मजार है। तेरा झांपड़ लगेगा ना तो तू सही हो जाएगा बेटा, सुन ले, तेरा झांपड़ लगेगा ना सामने सामने, ये मत कर मेरे आगे। हरी चादर को हटा के नीली बना रहा, अब पहले नहीं आया तुझे होश इसमें? ये देखिए, ये सामने सामने हो रहा है आप लोगों के सबके, मैं लाइव चल रही हूँ, और बचाने के लिए बीजेपी के लोग आ रहे हैं जिन्होंने ये लाइट लगवा रखी है कि हमने तो हाथी के लिए लगाई है। अरे ये लाइट हाथी के लिए लगाई है तो लाइट का मुंह किधर है? इस हाथी की तरफ है इसका मुंह है? तुझे किसने बोला ये चादर डालने के लिए है? ये है, देख लीजिए भाइयों, कहीं नहीं बचने वाला तुम्हारा उत्तराखंड, क्योंकि साजिश वाले सारे हिंदू हैं, ये बीजेपी के हैं, मीडिया प्रभारी, ये मीडिया प्रभारी हैं। हमने जंगलात वालों को भी बुलाया है यहाँ पे, अभी सब आ रहे हैं। ये देखिए पेड़ों की हालत, देखिए आप, ये पेड़ों की हालत है, ये देखिए, ये सारे पेड़ सूखे हुए हैं भाइयों, ये देखिए ये पेड़ सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो पेड़ आगे देखिए गिरा हुआ है सूख के, ठीक है, और वो देखिए वो पेड़ भी सूखा हुआ है। ये देखिए, फिर मुझसे ये लाइव मेरा डिलीट करवा रहे हैं, मुझे धमकी दे दे के, मेरे को धमकी दे रहे हैं कि अपना लाइव डिलीट करो। अभी सुबह का भी डिलीट करवा दिया गया मेरे से, ये भी पेड़ सूखा है सारा। ये सारे पेड़ सूखे हुए हैं, और इतनी जगह है, ये देखो, ये देखिए है, बेकार है, हम तो कुछ जानते नहीं है, हमें भी बदतमीजी वाली बात कर दी भाई। लेडीज लेडीज कोई बोलने बताओ। जय श्री राम भैया, अब बेकार ही तो आया हम, पर मैंने चल ये है हाल, ये विरोध में अपने हैं, बाहर के नहीं। ये देखिए बराबर के, लड़के बराबर के, वो हम बिगड़ ज्ञान के हैं, ज्ञान सिखा रखा उन्हें भी कि कभी कभी भी किसी बात में दे दे। हमने ये लाइट यहाँ लगवाई थी इसलिए कि जब जैसे रात को बच्चे सब कुछ बदते मिले, मैंने बोले लाइट लगवा दी यहाँ पे, प्रेस वालों के लिए कह सकते हैं, हमें तो बुला सकते हैं, तो जैसे लोग अपने माँ बाप के साथ बच्चे आते थे, जब हम भी विरोध करा दुनिया हारी जा रही। कौन कार्ड का नंबर है? जब ज्ञान ही है तो बिना ज्ञान के तो फिर ज्ञान ही आ जाएगा, कोई बात नहीं।
ये है हिंदू, मृत हिंदू। तो आपने ये लाइट मजार के लिए दे रखी? अरे यहाँ से रास्ता भी है ना, कई बार हमें जाना भी। आप बीजेपी में कौन से पद पे हो? हाँ जी, कौन से पद पे हो? सोशल मीडिया प्रभारी। सोशल मीडिया प्रभारी। तो दीदी आपको नहीं पता कि ये वन क्षेत्र की भूमि थी? ये उससे पहले लगवा दी थी। अरे वन क्षेत्र की भूमि तो बचपन से रही होगी ना? अरे नहीं नहीं, अभी गई हाँ? बीजेपी में तो 6 महीने 7 महीने। अरे तो 6 महीने 7 महीने में जाने में ही आपने नहीं, पर ये आपको ये नहीं पता था कि वन विभाग की भूमि है ये? अच्छा मैडम एक बात बताओ आप हमें, हाँ। हमारा बाल कुंवारी प्रॉपर आना जाना है, हाँ। ठीक है, रात को भी जाते हैं। सुनो 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 मेरी बात भैया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट। हम यहाँ से रात को जाते हैं, हाथी मिल जाएगा, ठीक है? अगर हमने यहाँ से लगवाई दी, यहाँ से आ ही रहे हैं तो उसमें सुनिए, पहले तो सुनो तो दीदी, लाइट की बात नहीं, यहाँ से लोग आते हैं। अरे सुनो तो, उनको दिक्कत ना हो। पर ये रास्ता सुनो सुनो, पहले ये रास्ता नहीं खुला हुआ था, आपका बाल कुंवारी का रास्ता उधर है कॉलोनी का। एक और है उधर, एक और है उधर, नक्शा बने हुए हैं। मैं ग्राम वनाधिकार समिति का अध्यक्ष भी हूँ, दावे प्रपत्र है मेरे पास, नक्शा बना हुआ पूरा इसका। अरे मैडम आपने लाइट लगाई इसके लिए लगाई, हाथी हाथी के लिए लगाई ना, आप मान रहे हो ना? मैडम पहले मेरी बात सुनो, हाथी के लिए लगाई ना, तो लाइट का मुंह आपने किस तरफ रखा हुआ? हाथी वहाँ पे हाथी सोया है, इन मैडम ने लाइट लगाई है और लाइट का मुंह हाथी, वो कह रहे हैं हाथी के डर से लगाई है हमने, ये हाथी है। हम भी आते हैं, ठीक है?